हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम. बहुत ही अच्छी पोएम है. आई हैव नूडल्स इन माय नोस्ट्रिल्स. तो देखिए जरा इस बच्चे की नूडल्स खा खा के जो है क्या हालत हो गई है. इसकी नोस्ट्रिल्स पे, चिक्स पे, चिन पे और क्लोथ्स पे, इसकी पॉकेट में, फोरहेड और सारी जगह, रैक में, नी कैप, सब जगह इसकी बॉडी पे नूडल्स ही नूडल्स नज़र आ रही है. ऐसा कब हुआ? जब उसे लंच करते हुए जब वह सो गया और उसे ड्रीम आया, उसे सपना आया, तो ये सब उसकी हालत हो गई. तो प्लीज़ आप भी जो है नूडल से बच के रहिए, कहीं आपकी भी ऐसी हालत ना हो जाए. चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज बुक. एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी गिवन है वो स्टार्ट करते हैं इसके हम. तो इसके फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स. तो आप चाहे तो अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं इसको कंप्लीट, और चाहे जो है ये मैंने आंसर्स लिखे हैं इसको भी कर सकते हैं देखकर. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द नरेटर सेज ही हैज़ नूडल्स इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस. कहाँ कहाँ उसकी गलत जगह पर उसको नूडल्स मिली हैं. तो दीज प्लेसेस आर, कौन कौन सी प्लेसेस हैं? प्लेसेस है सबसे पहले नोस्ट्रिल, नोज है, फिर उसके बाद चिक्स है, फिर चिन है, एंड देन क्लोथ्स है. ठीक है. आई एम अ नूडल कवर्ड रैक मीन्स दैट, यहाँ पे पूरी तरह मैं जो हूँ नूडल से कवर हो चुका हूँ. ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है जो पॉइंट का है? दैट ही इज़ इन अ बैड शेप सिंस ही इज़ कवर्ड विद नूडल्स. मतलब कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है क्योंकि वो जो है पूरी तरह से नूडल से कवर हो चुका है. द नरेटर कैन फील द नूडल्स ओजिंग आउट फ्रॉम हीज शूज़ है ये. ठीक है, हीज शूज़ आपका यहाँ पे आएगा. और फोर्थ में ही कॉल्स हिमसेल्फ अ निनकॉम्पोप. निनकॉम्पोप मैंने बताया था, फूलिश. समरी में एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से, हिंदी में आपको समरी एक्सप्लेन करी थी. समरी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. इसमें निनकॉम्पोप होता है फूलिश या स्टूपिड पर्सन. ठीक है, तो वो उसको स्टूपिड पर्सन क्यों बोल रहे थे? बिकॉज ही फेल एस्लीप एट लंच वाइल ईटिंग चिकन नूडल सूप. क्योंकि वो खाना खाते खाते लंच टाइम में क्या हो गया था, सो गया था चिकन नूडल सूप लेते हुए. द नरेटर सेज ही हैज़ अ हैंडफुल ऑफ नूडल्स इन हिज हेयर. तो नरेटर ये कह रहा था कि उसके पूरे हाथों भरे हुए हो इतना नूडल्स जो है उसके हेयर पर है, बालों पर है. ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं. सेकेंड में क्या गिवन है? हेयर आर अ फ्यू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट द नरेटर फेसेज इन द पोएम, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द पोएम ये फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है, सच है या झूठ है. तो चलिए फर्स्ट देखते हैं. द नरेटर हैज़ नूडल्स ओनली ऑन हिज चिन एंड चिक्स. नहीं, बिल्कुल गलत है. बहुत सारी जगह थी उसकी ऐसी जिस पर नूडल्स गिर गए थे, रॉन्ग प्लेसेस थी. ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट में बोला है, नोज पे है, चिक्स पे, चिन पे, क्लोथ्स पे, नॉस्ट्रिल्स पे. ठीक है, सेकेंड पे द नरेटर इज इंजॉइंग द फीलिंग ऑफ हैविंग नूडल्स ऑल ओवर हिज बॉडी. नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये. ऐसा नहीं है कि नरेटर जो है पूरी तरह से इंजॉय कर रहा था. नो, ही इज़ फीलिंग बैड हियर, है ना, बहुत ही गंदा महसूस कर रहा था जब उसके सारे जगह जो है बॉडी पर कवर हो गया था वो नूडल से. द ओनली प्लेस द नूडल्स हैव नॉट एंटर्ड हर हिज शूज़. नहीं भाई, उसकी शूज़ में भी आ गई थी. आपने पिक में देखा होगा उसकी शूज़ में भी यहाँ पर जो है क्या हो गई थी, नूडल्स आ गई थी. फोर्थ है आपका, ही इवन हैज़ सम नूडल्स इन हिज अंडरवेयर ऑल्सो. येस, दिस इज़ करेक्ट. ये क्या है आपका? ट्रू है. चलिए डाउन साइड. फिफ्थ है, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ निनकॉम्पोप बिकॉज ही हैज़ बीन केयरलेस. बिल्कुल सही है, निनकॉम्पोप बोल रहे थे उसे, फुलिश बोल रहे थे. He covered himself with noodles while he was serving the dish. No, it's false. It's not related to the summary. चलिए उसके बाद next downside पे given है sounds and pronunciation बोलते हैं इसको. ठीक है, read aloud the following words from the poem, paying attention to the sound made by the letters in red. तो चलिए जैसे कि आपको पता है sounds और pronunciation, जैसे हम बोलते हैं जो गिवन है वर्ड्स आपके नूडल्स, शूज़, ओज, निनकॉम्पोप, सूप, तो इसमें प्रोनंसिएशन जो यूज़ हो रही है, जो साउंड्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज गिवन है. डाउन साइड, से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, इनको तेज से बोलिए एंड राइट देम इन करेक्ट पार्ट्स, और उनको जो उनके करेक्ट पार्ट्स में लिखिए.
ऑफ द टेबल बिलो, जो भी टेबल दी हुई है। चलिए हमें ये कुछ वर्ड्स गिवन है और इसकी जो टेबल है वो हमें नेक्स्ट पेज पर गिवन है, चलिए देखते हैं फटाफट से उसको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड्स विद यू साउंड एज इन नूडल्स। तो नूडल्स आप जब पढ़ते हैं तो जो साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन जो ऊ की निकल रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स थे वर्ड्स के वो आपको उसमें डालने हैं। तो जैसे कि ये प्रीवियस पेजेस के दिए हुए हैं वर्ड्स, आपको यू साउंड जहाँ से प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शूट, रूल, ट्रू, देखिए सब में ऊ की साउंड निकल रही है, ठीक है। फूड, बूट, जैसे हम बड़ा ऊ छोटा ऊ तो लंबा ऊ करके बोलते हैं, छोटा ऊ करके बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे बड़ा ऊ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, बड़े ऊ की साउंड क्रिएट हो रही है यहाँ पे, क्लियर। बूट, फूल, मूड, मून, जून, सून, ब्लू, ये आपका जूस, रूफ एंड सूट, क्लियर। तो यहाँ पे ऊ की साउंड जो है वो क्रिएट हो रही थी। अब चलिए, अब दूसरा यू दिया हुआ है इन्होंने जिसमें कि जो वर्ड है टुक, तो यहाँ पे छोटा ऊ है ना, जैसे शॉर्ट टाइम ले रहा है यू बोलते हुए, तो टुक, गुड, बुल, स्टूड, लुक, पुल, कुड, वुल्फ और बुक, क्लियर। अब नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, यहाँ पे आपका है गिवन वर्ड्स दैट हैव नीदर ऑफ द अबव साउंड्स, जिसकी कोई साउंड्स ही नहीं है, तो बचे हुए वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। वो आएगा आपका ब्लड, स्टडी, पाउच, मस्ट, बोट, डस्ट और लंच, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन आपको पता है जैसे कि प्रशंसा करना होता है, तो यहाँ पे टू लाइन्स दी हुई है, ठीक है। इन टू लाइन्स में आपका रिपीटिशन जो वर्ड हुआ हुआ है, जैसे आई हैव नूडल्स रिपीटेड हुआ है, कई बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो ये वर्ड जो है इम्फोसाइज देके बोला है आपको, यहाँ पे जोर देकर बोला है। रिपीटिशन में यूज फॉर इम्फोसाइज, रिपीटिशन यहाँ पे इम्फोसाइज के लिए यूज हुआ है। टू ऐड ह्यूमर और टू क्रिएट राइम्स इन अ पोइम, एक राइम्स बनाने के लिए। तो रिपीटिशन इज ऑल्सो वेन यू से और राइट अ वर्ड मोर देन वंस। रिपीटिशन क्या होता है, किसी वर्ड्स का दोबारा आना, या फिर जो एक राइम क्रिएट कर देता है, साउंड क्रिएट कर देता है उस वर्ड्स की, ठीक है। तो उसको जैसे कि यहाँ पे द वर्ड्स नूडल इज रिपीटेड इन दिस पोयम, तो यहाँ पे जो नूडल्स है वो रिपीट हुआ है, ऐसे ही। चलिए एक्सरसाइज में गिवन है, हेयर आर सम स्टेंजास फ्रॉम सम फेमस पोएम्स। फेमस पोएम्स आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से ये, तो उसी में से आपको रिपीटिशन वाला वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो हम्प्टी डम्प्टी, अगेन हम्प्टी डम्प्टी रिपीट हुआ है, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ऑल द किंग्स, अगेन द सेम लाइन गिवन, अगेन ऑल द किंग्स हियर, ओके। अगेन हम्प्टी दिया हुआ है सेम पैरा में। अब चलिए सेकंड पैरा में देखते हैं, इनसाइड है, ठीक है। आई फिश, इनसाइड रिपीट किया हुआ है, आई रिपीट किया हुआ है, इनसाइड अगेन रिपीट किया हुआ है, आई फिश रिपीट किया हुआ है अगेन, इट बिग, बिग रिपीट किया हुआ है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, इसके बाद इट यूज़ हुआ हुआ है आपके नेक्स्ट लाइन में, आई यूज़ हुआ हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है, इट्स और फिश अगेन रिपीट हुआ है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर उसके हम नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय टू ऑल।